तो वहीं सक्ती के जयपुर जनपद पंचायत के कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। कर्मचारी वेंकटेश्वर वर्मा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सीसी रोड के चेक जारी करने की एवज में ये मांग रहा था पैसे। ग्राम पंचायत बर्रा में विधायक निधि से यहाँ पे सीसी रोड बन रहा था। तो जयपुर जनपद पंचायत के कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। कर्मचारी वेंकटेश्वर वर्मा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सीसी रोड के चेक जारी करने के एवज में यहाँ पे देखिए रिश्वत मांग रहा था। ग्राम पंचायत बर्रा में विधायक निधि से ही सीसी रोड बन रहा था, लेकिन सीसी रोड के चेक जारी करने के एवज में ये अधिकारी कर्मचारी पैसे ले रहा था। तो सख्ती से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पर जयपुर जनपद पंचायत के कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। कर्मचारी वेंकटेश्वर वर्मा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सीसी रोड के चेक जारी करने की एवज में ये रिश्वत मांग रहा था। चेक जारी करने की एवज में पैसे मांगते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पंचायत बर्रा में विधायक निधि से, जो विधायक का निधि यानी कि पैसा आता है, उसी के जरिए ये सीसी रोड बन रहा था और इसी रोड के चेक जारी करने के एवज में ये कर्मचारी वीडियो जो है पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जनपद पंचायत के कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जनपद पंचायत का कर्मचारी वीडियो ले रहा है, वीडियो उसका वायरल हो रहा है चेक लेते हुए, और इसी वीडियो के आधार पर अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाएगी। तो जयपुर जनपद पंचायत के कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्मचारी वेंकटेश्वर वर्मा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं रतलाम में फूड पॉइजनिंग से एक बच्चे की मौत हो गई। परिवार के चार लोग बीमार हुए हैं। 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। माँ और दो बहन के साथ साथ पिता मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। बालम ककड़ी खाने के बाद ये तबीयत बच्चों की खराब हुई है। परिवार के चार लोग बीमार हुए हैं। माँ और दो बहन के साथ साथ पिता मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। बालम ककड़ी खाने के बाद से इन लोगों की तबीयत खराब हो गई है। जड़वासा कला गांव ये बताया जा रहा है। फूड पॉइजनिंग के चलते एक बच्चे की दुखद मौत।